हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नागपुर ऑरेंजेस। कल शाम को हमने दो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए थे। फर्स्ट वीडियो था रिगार्डिंग गूगल न्यूज़ कंटेंट पॉलिसी, और सेकंड वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है और आप गूगल न्यूज़ में अप्रूवल चाहते हैं तो आपको साइट लेवल पे क्या क्या चेंजेस करने होंगे। हमने काफ़ी डिटेल में ये सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। हम रिकमेंड करेंगे कि पहले आप ये फर्स्ट वीडियो देखें, आप जान लें कि आपको आर्टिकल लिखते हो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको साइट लेवल पे क्या क्या चेंजेस करने होंगे आप सबमिशन के पहले। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप आज का जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं कि कौन सा अपने थीम यूज करने चाहिए। कुछ पार्ट आपका ये कवर हो जाएगा अगर आप वो थीम परचेस करते हैं या थीम वो सेटअप आपके एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट में करते हैं तो। हमने टोटल 5 थीम आइडेंटिफाई किया है जो हमने इसके पहले उससे टेस्ट किया है, वेरीफाई किया है। हमारे काफ़ी सारे वेबसाइट्स उन दो थीम्स पे अप्रूवल भी मिला उन दो थीम्स को, सॉरी उन वेबसाइट्स को। फर्स्ट जो थीम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है झाना थीम। ओके, सो ये फर्स्ट थीम है। ये थीम रिसेंटली डेवलप हुई है लास्ट एक दो साल में, और इसके काफी अच्छे रिव्यूज है। इसका टोटल $59 कॉस्ट है। ये थीम ने काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स प्रोवाइड किए, जैसे आप कोविड रिलेटेड विडगेट ऐड कर सकते हैं इसमें। आप इसका अगर कंपैरिजन चेक करोगे परफॉर्मेंस स्पीड वाइज ये काफी फास्ट है। थीम AMP कंपैटिबल है। इसमें इन्होंने ऑथर की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दिखाया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और खास बात ये है कि आप इसमें co-authors भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर आप बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और वहाँ पे मल्टीपल ऑथर रिव्यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट आर्टिकल आप लिखते हैं तब सेकंड ऑथर भी उसे रिव्यू करता है, या दो ऑथर मिलके एक कोई न्यूज कवर करते हैं तो आप दो ऑथर्स भी दिखा सकते हैं। ये PHP 7.3 लेटेस्ट PHP तक कंपैटिबल है। ये थीम ये जो है ये यूजर का डेटा प्रोटेक्शन के लिए GDPR कंप्लायंस होता है जो कि थीम प्रोटेक्ट करती है, वो एक उन्होंने फीचर ऐड किया है। काफी अच्छा इसका मोबाइल लेआउट है, और इम्पोर्टेंट ये AMP कंपैटिबल भी है। और सबसे अच्छी चीज़ इस थीम की ये है कि ये लोग रेगुलर अपडेट्स इसके रिलीज करते रहते हैं। जैसे लास्ट जो है वो 26 जुलाई को उनका रेगुलर अपडेट आया है, तो ये बेस्ड ऑन न्यू गूगल एल्गोरिदम ये अपने चेंजेस रोल आउट करते रहते हैं, अपडेट्स रोल आउट करते रहते हैं। और अगर आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे ये माइनर चेंजेस इन वर्डप्रेस वाला, तो इसमें हमने आपको एक चीज़ हाईलाइट की है जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई न्यूज साइट बना रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर डेटा न्यूज आर्टिकल का होना चाहिए। तो ये थीम में बाय डिफॉल्ट एक फीचर है जहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपको स्ट्रक्चर डेटा नॉर्मल आर्टिकल का चाहिए या न्यूज आर्टिकल का चाहिए। तो अगर आप वो न्यूज आर्टिकल सिलेक्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर डेटा न्यूज आर्टिकल का हो जाएगा। उस केस में आपको कोई डेवलपर अपॉइंट करके स्ट्रक्चर डेटा रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं होगी। तो कल जो हमने इस वीडियो में आपको फीचर्स बताए थे, आइए चेक करते हैं वो सब फीचर्स ये थीम में है या नहीं है। ओके, सो हमने फर्स्ट आपको चेंज बताया था कि आपके इसमें हेडर में सर्च बार होना चाहिए, यहाँ पे ये सर्च बार है। सेकंड हमने आपको बताया था टाइटल के नीचे में ऑथर का इन्फो होना चाहिए विद पब्लिश डेट और पब्लिश टाइम। इसमें टाइम नहीं है बट डेट है, इट्स ओके, बट यू कैन ऐड टाइम एज वेल यूजिंग सम प्लगइन्स। ओके, देन हमने आपको एक और चेंज बताया था कि एंड ऑफ द आर्टिकल में अगेन ऑथर का बायो चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड ऑफ द आर्टिकल ऑथर बायो और ऑथर इन्फॉर्मेशन विद सोशल लिंक है। तो ये थीम ने ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आपको और एक चीज बताई थी कि थीम जो है वो लाइट वेट होनी चाहिए। वो आप ध्यान रखें कि आपकी थीम थोड़ी फास्ट हो, थोड़ी लाइट वेट हो, यूजर फ्रेंडली हो, और मेक श्योर करें कि थीम में कोई ऐसे ग्लिच ना हो जहाँ पे यूजर को कुछ एक्सपीरियंसेस यूजर एक्सपीरियंस खराब हो। आप चाहिए तो ये सर्च बार यहाँ पे भी रख सकते हो, और एक सर्च बार आप यहाँ पे राइट साइड विडगेट में ऐड कर सकते हैं। ये होगी फर्स्ट थीम जो कि अब तक का हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर थीम।
बिफोर डैट हम ये देख सकते हैं कि ये थीम भी काफी ज्यादा मार्केट में सेल हो रही है। इसके 9,570 सेल्स हो चुके हैं, काफी अच्छे रिव्यूज है, 5 स्टार रिव्यूज है, यानी एवरेज 4.81 है। नेक्स्ट जो थीम है वो है न्यूज़पेपर। ये अब तक की न्यूज रिलेटेड एंड मैगजीन की हाईएस्ट सेलिंग थीम है। आप ये देख सकते हैं इसके 98,000 सेल्स हुए हैं, और पहले ये सिर्फ न्यूज़पेपर नाम से थी, अब ये न्यूज़पेपर एक्स यानी न्यूज़पेपर का 10th वर्जन आया, जो कि लाइटर वर्जन है प्रीवियस न्यूज़पेपर थीम का। ये थीम भी काफी अच्छी है, बट इसमें आपको न्यू स्ट्रक्चर डेटा नहीं मिलेगा, आपको वो खुद से बनवाना होगा या आपको डेवलपर अपॉइंट करके आपको स्ट्रक्चर डेटा सेट करना होगा। यहाँ इन्होंने बताया है कि इस न्यू न्यूज़पेपर थीम में क्या चेंजेस किए उन्होंने। अगर आप देख सकते हैं कि पहले 2.2 MB का पेज साइज था, अभी 1.2, ऑलमोस्ट 1 MB कम किया उन्होंने, रिक्वेस्ट कम हुए, और CSS का साइज भी काफी उन्होंने रिड्यूस किया है। सो आप ये सारी चीजें देख के ही थीम ले। इस थीम में भी जो भी हमने चेंजेस आपको रिकमेंड किए थे वो सारे इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं। हम इनका डिफॉल्ट न्यूज़पेपर प्रो थीम देखेंगे। सो आप कोई भी आर्टिकल ओपन कर लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं ऑथर का इमेज, ऑथर नेम और पब्लिश डेट यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने टाइटल के नीचे। ऑथर बायो विद सोशल आइकॉन्स विद सोशल लिंक उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई न्यूज साइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि वो गूगल न्यूज में अपलोड हो। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली सर्च सेक्शन हेडर सेक्शन में डाला है, ताकि वो इजीली आपको दिख सके, रीडर्स को दिख सके। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था कि आप डिस्क्लेमर, प्राइवेसी और एडवर्टाइजमेंट का और कॉन्टेक्ट अस का आपका सेक्शन होना चाहिए, जहां से यूजर को ट्रांसपेरेंसी मिले कि आप क्या उनका कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं या कोई डेटा रीड कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, वो सारे आपकी इन प्राइवेसी पॉलिसीज या डिस्क्लेमर में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टेक्ट अस पेज। ओके, इन्होंने इनेबल नहीं किया, बट आप कॉन्टेक्ट अस पेज में आप मेक श्योर करें कि आपका डिटेल एड्रेस, ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए वहां पे, और एड्रेस, ये सारे डिटेल्स आपके उस पेज पे अवेलेबल होने चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे जो गूगल न्यूज अपलोड साइट है, मिड लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इन सब के ऑलरेडी वेरीफाइड साइट्स है, तो वो रखे या ना रखे उन्हें ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बट आप जब फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके साइट पे वो सारे डिटेल्स हो, कॉन्टेक्ट अस में एड्रेस हो आपका, ऑपरेशनल टाइम हो कि आप कौन कौन से टाइम पे ऑपरेट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं 24/7 है, तो आप वो मेंशन कीजिए, आपका फोन नंबर मेंशन कीजिए, और एक हो सके तो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म ऐड कर दे। ओके, सो ये हो गई हमारी सेकंड थीम। अभी मैं आपको थर्ड थीम बताऊंगा, ये है जॉक जॉक थीम। जॉक थीम भी काफी अच्छी थीम है, और अभी फिलहाल काफी लोग जॉक और जाना थीम यूज कर रहे हैं टू गेट देयर वर्डप्रेस वेबसाइट इनटू गूगल न्यूज। काफी ट्रेंडिंग थीम है दोनों, उनके सेल्स भी काफी हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे उनके एवरेज रेटिंग काफी अच्छे है, और फ्रीक्वेंटली उनके अपडेट्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू गूगल एल्गोरिदम। जॉक न्यूज का एक सबसे अच्छा है कि इसका होम पेज लेआउट बाकी थीम्स के कंपेरेटिवली अलग है। आपने अभी जाना और न्यूज़पेपर देखा होगा, उनका एक ट्रेडिशनल लेआउट है, बट जॉक जॉक ने अपना लेआउट काफी डिफरेंट बना आया है यहाँ पे। सो ये काफी अच्छा थीम है लुक वाइज भी, और इन्होंने भी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर की जो गूगल न्यूज के रिक्वायरमेंट है। अगेन ये सब रिपीट ना नहीं करूंगा मैं अभी, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। ओके, नेक्स्ट थीम है सईफा। ये काफी ओल्ड और काफी पॉपुलर थीम है। जाना आने के पहले से ही सईफा थीम है, और आई गेस दोनों के जो पेरेंट कंपनी है वो सेम है, सईफा कंपनी और जाना कंपनी सेम टाइलैब्स के अंडर में दोनों थीम बने हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये काफी पुरानी थीम है, इसके सेल्स भी ऑलमोस्ट 27,000 सेल है, और ये
16 अगस्त 2012 में फर्स्ट टाइम लाइव की गई थी। हमने ये थीम के साथ में भी हमारे काफी सारे वेबसाइट स्टार्टिंग में अप्रूवल हमें मिले थे, बट रिसेंटली हम लोग जाना, जॉक्स और न्यूज़पेपर थीम प्रेफर कर रहे हैं। जाना इसलिए कि आपको न्यूज का स्ट्रक्चर डेटा आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। और ओके नेक्स्ट है न्यूज मैग, ये भी काफी पुराना थीम है। ओके न्यूज मैग के भी 15,000 प्लस सेल हो गए और ये भी 2014 में फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी थीम। उसके बाद भी इनके कंटिन्यूअस अपडेट्स अभी भी रोल आउट हो ही रहा है यूजर के लिए। लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2020 को आया है। सो ये सारे थीम जो अभी हमने आपको बताया, ये सारे थीम एएमपी कंपैटिबल है और इन सभी का मोबाइल मोबाइल व्यू काफी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थीम है लुक वाइज, जाना न्यूज़पेपर और सहीफा जैसे ही ऑलमोस्ट इसका लेआउट है, सिमिलर लेआउट ही है। ओके यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया है ऑथर नेम, डेट, सारे डिटेल्स इन्होंने भी यहाँ पे पब्लिश किए हैं ऑथर के। ओके एट द एंड ऑथर नेम और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विद सोशल लिंक्स। सो ये मेक श्योर करें आप जब भी बना रहे कोई थीम तो ये सारे डिटेल्स हो। कॉन्ट्रैक्टर्स में देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्ड किया। अगर आप हो सके तो न्यूज मैक का आप जो रेफरेंस है कॉन्ट्रैक्टर्स का, आप ये रेफरेंस लेके आप जो भी ये हमने थीम आपको बताया उसमें से किसी भी थीम में ये यूज कर सकते हैं आप। ये फॉर्मेट काफी अच्छा फॉर्मेट है, काफी यूजर फ्रेंडली है ये। सो दोस्तों ये पांच थीम में से आप कोई भी थीम ले सकते हैं जो हमने आपको ये पांच थीम बताए हैं। ये पांचों थीम के हम यूआरएल जो है हमारे कमेंट सेक्शन सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप जाके ये थीम सर्च कर सकते हैं, ये थीम बाय कर सकते हैं। और प्लीज अगर आप कोई थीम बाय कर रहे हो और आपका फीडबैक आपको सॉरी आपके रिजल्ट काफी अच्छे आना स्टार्ट हो जाते तो प्लीज फीडबैक पोस्ट करना ना भूले वीडियो पे। और भी हम काफी सारे वीडियोस लेके आने वाले। इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आपको गूगल न्यूज में आपके साइट को कैसे सबमिट करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, डू एंड डोंट्स क्या है, हम सारे चीजें नेक्स्ट वीडियो में हमारे कवर करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।